दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 1999 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है आ अब लौट चलें। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय, राजेश खन्ना, मौसमी चटर्जी, नवीन निस्कौल, सुमन रंगानाथन, कादिर खान, परेश रावल, सतीश कौशिक और आलोक नाथ। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है रूमी जाफरी, राजू सहगल और सचिन भौमिक ने। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ऋषि कपूर ने। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं राजीव कपूर, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है रोहन खन्ना यानी अक्षय खन्ना से, जो एक जॉबलेस ग्रेजुएट है। और वो अपनी बेरोजगारी की वजह से अमेरिका जाने का फैसला करता है, जबकि उसकी माँ यानी मौसमी चटर्जी अपने बेटे के इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि रोहन के पिता बलराज खन्ना यानी राजेश खन्ना भी इस तरह अपने परिवार को छोड़ के अमेरिका चले गए थे, जहाँ उनकी मौत हो गई थी। मगर रोहन अपने इमोशंस की बजाय प्रैक्टिकल वे में सोचता है और अमेरिका पहुंच जाता है, जहां उसको विदेशी ज़िंदगी की असल सच्चाई भी देखने को मिलती है। और फिर इस दौरान कहानी में एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन पूजा यानी ऐश्वर्या राय की। अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प और यूनिक है, जिसे जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। आप बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर ऋषि कपूर ने इस फिल्म को बेहद यूनिक और खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ बनाया है, जो अपने स्टोरी प्लॉट की वजह से ही काफ़ी फ्रेश फिल्म लगती है। लेकिन साथ ही साथ ऋषि कपूर की स्टोरी टेलिंग भी वाकई में देखने लायक है, जहां ये फिल्म हमें टिपिकल लव स्टोरीज से हट के कुछ नया ऑफर करती है। और ऐसे ये फिल्म एक वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस देती है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें, तो यहाँ भी ये फिल्म इम्प्रेसिव साबित होती है, जहाँ इस फिल्म का हर एक सीन काफ़ी इम्पैक्टफुल दिखाई देता है। और फिल्म का फर्स्ट हाफ स्टोरी और करेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है, और फिर सेकंड हाफ में ड्रामा और रोमांटिक एंगल पे फोकस किया गया है। और देखा जाए तो ये फिल्म शुरू से लेके एंड तक हमें एंगेज करके रखती है और भरपूर एंटरटेन करती है। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें, तो इस फिल्म में काफ़ी मीनिंगफुल और क्वालिटी डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इंडियन कल्चर को प्रोमोट करते हैं। और इसके अलावा कॉमिक डायलॉग्स और पंच लाइनर्स भी बेहद बढ़िया हैं। और ओवरऑल इस फिल्म में एक नाइस कॉमेडी ब्लेंड भी देखने को मिलता है। और बात करें म्यूज़िक की, तो फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी लाजवाब है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सभी गाने आइकॉनिक और एवरग्रीन हैं। ख़ास तौर पे टाइटल सॉन्ग आ अब लौट चलें, ओ यारो माफ़ करना, मेरा दिल तेरा दीवाना, और ये कैसी मुलाकात है, तो अपने वक्त के काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, जिन्हें आज भी लोग काफ़ी शौक से सुनते हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो अक्षय खन्ना इस फिल्म में काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में नज़र आए, जहां उनकी मॉरल वैल्यूज़ और उनके ड्रीम के बीच एक कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। और ऐसे ट्रिकी रोल्स के साथ ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना और मासेस को इंस्पायर करना वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, जिसे अक्षय खन्ना ने अपनी काबिलियत के दम पे काफ़ी अच्छे से पूरा किया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा ऐश्वर्या राय की बात करें, तो वो भी इस फिल्म में बेइंतहा खूबसूरत नज़र आईं, और इस तरह का स्वीट एंड सिंपल रोल उन पे काफ़ी सूट भी कर रहा था। और बात करें राजेश खन्ना की, तो उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रही। इसके अलावा कादिर खान, आलोक नाथ और परेश रावल के साथ साथ फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म को 22 जनवरी
1999 को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म का बजट 9 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 2 लाख का कलेक्शन किया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 20 करोड़ 49 लाख का कलेक्शन किया था और ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। ओवरऑल देखा जाए तो आ अब लौट चलें एक वेल स्क्रिप्टेड और वेल डायरेक्टेड एवरग्रीन मूवी है जिसे बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवी कहना भी गलत नहीं होगा, जो एक अच्छी रिपीट वैल्यू भी रखती है। तो दोस्तों ये मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगा, आप सब भी इस मास्टरपीस मूवी को ज़रूर देखिएगा।